हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कुमार सिंह और आप हैं स्टडी विद अतुल के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूं पाषाणकालीन भारत। इसमें मैंने 50 प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम या किसी अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में सूचना मिल जाएगी। तो बिना समय गंवाए हुए मैं इनको शुरू करता हूँ। देखिए, इसका जो चैप्टर का नाम है वो है पाषाणकालीन भारत। इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है 1920 में थॉमसन ने ऐसा किया था। कोपेनहेगन डेनमार्क में है, तो डेनमार्क में एक संग्रहालय है, वहाँ पर 1920 में थॉमसन ने पाषाण, कांस्य एवं लौह युगीन त्रियुगीन ये विभाजन व्यवस्था कोपेनहेगन ने बनाई थी। अगली बात है, उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाता है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ भारत में कहाँ? आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। अगली बात है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो है आदमगढ़ एवं बागौर। ये कौन सा है? आदमगढ़ एवं बागौर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आदमगढ़ अभी मैं आपको बता चुका हूँ मध्य प्रदेश में है, और बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा जिला राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, और महदहा से भी हड्डी का एक वाणाग्र प्राप्त हुआ है। वाण के सामने नहीं, ऐसे करके एरो लगा होता है, इस तरीके का एक प्राप्त हुआ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है? खाद्यान्नों यानी गेहूं चावल वगैरह, तो इनकी कृषि जो है सबसे पहले नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये जौ था। 8000 ईस्वी पूर्व में भूमध्य सागर एवं ईरान के बीच स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में और लगभग इसके थोड़ा सा ही बाद में गेहूं की खेती भी प्रारंभ हुई है। इसी के थोड़ा सा बाद में गेहूं की खेती भी प्रारंभ हुई है। आगे बढ़ते हैं, चावल का उद्भव कहाँ माना जाता है? तो चावल का उद्भव चीन की यांगसी नदी घाटी में माना जाता है। ये एक तीसरी फसल है जो कि मानव द्वारा उगाई गई थी, चीन की यांगसी नदी की घाटी में 7000 ईस्वी पूर्व में। फिर आते हैं, मक्का का उद्भव कहाँ माना जाता है? मक्का का उद्भव मेक्सिको में माना जाता है, जो कि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फिर है बाजरा का उद्भव, तो ये चीन में 5500 ईस्वी पूर्व। फिर है ज्वार का उद्भव, ये पूर्वी अफ्रीका में 5000 ईस्वी पूर्व। और राई का उद्भव दक्षिणी पूर्वी एशिया में 5000 ईस्वी पूर्व। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, चावल का उद्भव चीन में, चावल चीन से याद रखिए, मक्का मेक्सिको से याद रखिए, बाजरा इसको आपको याद रखना है चीन से, बाजरा चीन से, चावल भी चीन से है, मक्का भी मक्का मेक्सिको से है, बाजरा ये चीन से है, और ज्वार पूर्वी अफ्रीका में, ज्वार पूर्वी अफ्रीका में है, और राई ये दक्षिण पूर्वी एशिया में। आगे बढ़ते हैं, जई जई जो है ये यूरोप में है। जई कहाँ है? यूरोप में है। ये 2300 ईस्वी पूर्व है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी, इसकी खोज 1982 में की गई थी, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, SSC में पूछा गया है प्रश्न। वह स्थल कौन सा है जहाँ से प्राचीन एवं स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेहरगढ़ है, 7000 ईस्वी पूर्व। फिर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि इसका सही जवाब किताबों में देते हैं मेहरगढ़, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य के, कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से करीब 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये सबसे पुराना हो जाएगा।
इसके अलावा मेहरगढ़ से 7,000 ईस्वी पूर्व। अब देखिए यहाँ पर 8,000 से 9,000 है और यहाँ पर 7,000 है। कोल्डी हवा से 6,500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए इसका इस आधार पर सबसे सही जवाब जो है वो कौन सा हो जाएगा, लहुरादेव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे है चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो ताम्र का पाषाणकालीन युग को चालकोलिथिक कहते हैं। आगे बढ़िए, मेहरगढ़ है कहाँ, तो मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। आगे बढ़िए, फिर कह रहे हैं अगला प्रश्न है मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पाषाण युगीन से लेकर हड़प्पा कालीन सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाषाण कालीन से लेकर हड़प्पा कालीन सभ्यता तक के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला है नवदा टोली जो कि इंदौर के निकट है मध्य प्रदेश में, उसका उत्खनन किसने किया था, ये प्रश्न भी आया हुआ है। HD सांकलिया ने उसका उत्खनन किया था, ये पूना में प्रोफेसर हैं। फिर है नवदा टोली किस सभ्यता से संबंधित है, ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है, ताम्र पाषाणकालीन। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं बृहत पाषाण मेगालिथ स्मारकों को पहचाना गया है किसके रूप में, तो मृतकों को दफनाने के रूप में पहचाना गया है। मृतकों को दफनाने के लिए मेगालिथ्स अर्थात बृहत पाषाण जो हैं बड़े बड़े, उनको मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में पहचाना गया है। अगली बात है शिष्ट समाधि पिट सर्किल, केन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हार्ट स्टोन, कंदराएं, मेहर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं क्या, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हार्ट स्टोन, कंदराएं, मेहर, ये आदि किसके उदाहरण हैं, ये बृहत पाषाण अथवा मेगालिथ के उदाहरण हैं। और इसको जान लीजिएगा, ये मृतकों के दफनाए जाने वाला ही है, यानी इस तरीके से मृतकों को दफनाते हैं, इतने प्रकार से मृतकों को दफनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दफनाते थे, आगे बढ़ते हैं, किस नवपाषाणकालीन स्थल से राख के टीले मिले हैं, तो ये संगनकल्लू है। संगनकल्लू कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। कर्नाटक में ही एक पिकली हल है, वहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका ये गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, तो याद रखिएगा भीमबेटका ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यहाँ पर हाथी, सांबर, हिरण आदि के 750 गुफा चित्र मिलते हैं। भीमबेटका में 243 तथा लाखा जुआर समूह इसमें 178 गुफा शैल चित्र मिले हैं। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि 750 शैलाश्रय हैं, ठीक है, उसमें से भीमबेटका में 243 हैं और लाखा जुआर उसी के पास में है, तो वहाँ पर से 178 मिले हैं, लेकिन इसके अलावा भी छुटपुट मिले हैं जो कि मिला के 750 हो जाते हैं, तो इसलिए ये संख्या 750 लिखी है। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में कब सम्मिलित किया गया, तो ये आंसर है इसका 2003 में। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका किस जिले में है, तो ये जान लीजिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ये देख लीजिएगा इसको, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अजंता की गुफाएं ये किस काल की हैं, तो ये मौर्य काल के बाद की हैं। बाघ की गुफाएं ये भी मौर्य काल के बाद की हैं। अमरावती स्तूप स्थापत्य कला ये शुंग कालीन या संभवतः सातवाहन कालीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए प्रसिद्ध है, अमरावती वाला स्थापत्य कला के लिए। आगे बढ़ते हैं, गैरवर्णी मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था, तो इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। इसके साक्ष्य हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हस्तिनापुर तथा अतरंजी खेड़ा में। आगे, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, किस तरह दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे बढ़ते हैं, जोरवे संस्कृति किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ये महाराष्ट्र में एक स्थान है जोरवे, तो वहाँ की जो सभ्यता है उससे ये नाम लिया गया है जोरवे। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो कुत्ते के साक्ष्य बुर्जहोम में प्राप्त हुए हैं। वहाँ कुत्ते को शायद उसके मालिक के साथ दफना दिया गया होगा, क्योंकि कुत्ता और उसके मालिक का एक साथ वहाँ पर कंकाल प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, गर्तावास अर्थात गड्ढों वाले घर के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो गड्ढों वाले घर के साक्ष्य जो है ये
बुरजोम श्रीनगर के निकट प्राप्त हुए जम्मू कश्मीर में, और एक जगह और है जिसका नाम है गुफक्राल, वो भी जम्मू कश्मीर में है, तो वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बुरजोम नामक पुरातत्व के स्थल की खोज किसने की? तो ये डी टेरा एवं पीटरसन, इसके आंसर है डी टेरा एवं पीटरसन ने। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। किस मंत्रालय के तहत आता है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस गवर्नर जनरल के समय बना था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय बना था 1902 में। आगे बढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। कौन थे ये? जॉन मार्शल। आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। और आपको याद होगा जॉन मार्शल के समय पर ही इन्हीं की बोलेंगे निगरानी में दयाराम साहनी तथा राखाल दास बनर्जी दोनों लोगों ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में सन 1861 में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये बहुत पुरानी बात है, 1861, तब तक ये वाला सर्वे ऑफ इंडिया नहीं बन पाया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं बना था, लेकिन इसके बावजूद भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, और यह सीधे सीधे संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, और यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल का पुराना नाम क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये पुराना नाम है, बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक सोन घाटी, ये एक्चुअल में सोहन शब्द नहीं है, बल्कि इसकी स्पेलिंग है SOAN। देखिए लिखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये मैं इसे लिख नहीं पाता हूँ, सोन, ये है इसकी स्पेलिंग, सोन घाटी। कहाँ अवस्थित है? ये पश्चिमी पंजाब अर्थात आधुनिक पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब अर्थात आधुनिक पाकिस्तान। अगला है, प्रागैतिहासिक काल आदमगढ़ तथा हथनौरा ये कहाँ है? तो ये दोनों ही मध्य प्रदेश में हैं, ये प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक स्थल नंदीपल्लय ये कहाँ है? नंदीपल्लय ये महाराष्ट्र में है। कुरनूल की गुफाएं ये कहाँ पड़ती हैं? तो प्रागैतिहासिक स्थल कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की एक बार राजधानी भी कुरनूल रह चुका है। अगला प्रश्न है, कोल्डी हवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है? कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तांबा। बुरजोम के अलावा गर्तावास के साक्ष्य और कहाँ मिले हैं? तो गुफक्राल, और गुफक्राल कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। एक चीज़ आप करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।